स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। चलो सरस, सरस, मेरा फोन। एक मिनट। मन बार बार फोन क्यों काट रही है? सरस, सरस। प्रशांत जी क्या कर रहे हो? कहीं प्रशांत घर तो नहीं पहुंच गया? जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। प्रशांत हाथ छोड़ो, अनु। प्रशांत मेरा हाथ छोड़ो, अनु। छोड़ो मेरा हाथ, अनु। प्रशांत क्या कर रहा है? क्या नहीं किया? अनु, अनु। प्रशांत क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना महेश को एक फोन करूंगा, सिर्फ एक फोन। तुम्हारा पति और तुम्हारे देवर सब मर जाएंगे। चलो मेरे साथ। अरे साथ चलो, वरना मिस्टर प्यास की जान लोगे, समझे? चलो चलो चलो। सरस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बस चुका है, समझी? चुपचाप अंदर बैठो, चलो आगे ले लो। प्रशांत जी कुमुद मैडम को लेके कहाँ गए? कुमुद, अनुष्का, भाभी, कुमुद, अनुष्का, अनुष्का, भैया, अनुष्का, पानी लेकर आ जल्दी, अनुष्का, अनुष्का, कुमुद, अनुष्का, अनुष्का आंखें खोलो, डैनी, कुमुद, अनुष्का आंखें खोलो, अनुष्का, कुमुद, भैया, अनुष्का, तुम देखो यहाँ पे क्या? कुमुद कहाँ पे? वो प्रशांत आया था यहाँ। प्रशांत? सरस्वती चंद्र व्यास जी, जी मैंने आपको फोन किया था। आप तो लापता थे ना? लापता नहीं था, मुझे किडनैप किया गया था। किडनैप किसने किया था? साहब आप आ गए, वो जो प्रशांत जी है ना, कुमुद मैडम को लेकर के कहीं गए हैं। तुमने देखा कि किधर लेके गया वो कुमुद को? पता नहीं साहब। डोंट वरी मिस्टर व्यास, हम देखते हैं। अच्छा हुआ कुमुद जी, आपको सब पता चल गया। अब मुझे ये नाटक नहीं करना पड़ेगा कुमुद जी। अब आप मेरे साथ रहेंगे कुमुद जी। घबराइए नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और आप हैं। जो मैंने सोचा था ऐसा ही हो रहा है ना कुमुद जी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता कुमुद जी, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है कुमुद जी। जिस दिन से आपको पहली बार देखा था ना, उसी दिन से अपना बनाना चाहता था।
आपको पाना चाहता था, आपको छूना चाहता था मैं। आज आज वही हो रहा है कुमुची। अब आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा सरस्वती चंद्र जी ने कम से कम उसे तो बता दो उसकी कुमुद मेरी होगी हमेशा हमेशा के। एनी आइडिया कि वो कुमुद जी को लेकर कहां गया होगा? कुमुद का फोन कंट्रोल रूम में फोन करके इस कॉल को ट्रेस करो आप जल्दी। ओके अब कॉल रिसीव करिए मिस्टर व्यास। हेलो मिस्टर व्यास, कैसे हैं आप? मैं भी आपसे क्या पूछ रहा हूं, मेरी चालें समझते समझते आपका दिमाग चलना बंद हो गया होगा। बीवी की चिंता में तो पागल से हो गए होंगे आप। अब आप कुमुद जी की चिंता मत कीजिए। अब कुमुद सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, हमेशा हमेशा के लिए। चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रिलैक्स मिस्टर व्यास, जस्ट रिलैक्स। आपका गुस्सा कुमुद के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे तुम्हारा आइडिया बड़ा कमाल का था, मैं सच में डर गया था कि पूजा की आत्मा वापस तो नहीं आ गई। जो जिंदा रह के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मरने के बाद क्या मारेगी मिस्टर व्यास? अगर तुझ में हिम्मत है तो पता कहाँ है तू? हिम्मत तो मैंने दिखा दी है मिस्टर व्यास। कुमुद को हासिल करकर अगर तुम्हें कुमुद से प्यार है तो ढूंढ कर दिखा। हेलो हेलो, क्या बोल रहा था वो सर? लोकेशन प्लेस हो चुकी है, तुम यहीं रुको। मिस्टर व्यास आइए आइए, मेरा सब ध्यान रखना अपना। ओके चलो चलो। कौन है यहाँ पे? कोई है? कोई है यहाँ? यहाँ कोई नहीं है, लगता है भाग गए हो लोग। कहाँ लेके क्या होगा वो कुमुद को? लगता है उसने चाल चली है हमारे साथ। मैं एक बार अच्छी तरह से इस घर की तलाशी ले लेता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। मुझे कुमुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ मिला? नहीं, कोई सुराग नहीं मिला मिस्टर व्यास। पर इंस्पेक्टर साहब, हम उसका कॉल तो ट्रेस कर सकते हैं ना? अगर उसने फोन किया तब तो। मगर कोई और रास्ता होगा, कोई और रास्ता होगा ना उसे पकड़ने का, कोई तो रास्ता होगा। भैया कुछ नहीं होगा भाभी को,
भाभी मिल जाएगी। इतनी नफरत से मत देखो मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मिस्टर व्यास से तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, करती हो ना, लेकिन मैं क्या करता, जब से तुम्हें देखा था ना, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ याद नहीं रहा। तुम्हारे बाल, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे चार खूबसूरत दिल, हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ खींचते रहे। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम थी कुमुद। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए कुमुद। अब तुम मेरी हुकूमत, सिर्फ मेरी, इसलिए तो मिस्टर व्यास से शादी करने के बाद भी तुम मेरे पास आ पहुंची हो। अब भगवान से बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसे मैं सुधारूंगा। मिस्टर व्यास को ऊपर भेजकर अपने आप को तकलीफ मत दो, मुझे अपने आप को तकलीफ मत दो, मुझे भी तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपकी तकलीफ जल्दी दूर कर दूंगा। अभी मिस्टर व्यास जिंदा है इसलिए आपको तकलीफ हो रही, लेकिन जब वो आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे ना, तो सब खत्म हो जाएगा। मिस्टर व्यास का प्यार, मिस्टर व्यास सब कुछ, उसकी जान आप में है, जो अब मेरी मुट्ठी में, उसे यहां आना होगा और जान से जाना होगा, फिर मेरे होने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने कुमुद का फोन बंद करके रखा है। डोंट वरी मिस्टर व्यास, हमने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दी है, हर जगह तलाशी चल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सॉरी मिस्टर व्यास, लोकेशन चेंज, अब कुमुद और मैं शंभू गैरेज में, सांता क्रूज लिंक रोड पर। अपनी कुमुद को बचा सकते हो तो बचा लो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। सी यू सून। प्रशांत का मैसेज, उसने लोकेशन चेंज कर दिया, चलिए जल्दी आइए। अब तुम्हारा बेचारा पति शंभू गैरेज जाएगा, पूछोगे नहीं क्यों, मैंने उसे क्यों बुलाया। अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता हूं कुमुद जी, कुछ नहीं। फिलहाल तो वो अपने दो बेवकूफ भाई और पुलिस के साथ मुझे ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन मुझे मिस्टर व्यास के सिवाय किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है कुमुद जी। मेरा सिंपल सा प्लान है कुमुद जी, मैं मिस्टर व्यास को यहां पर बुलाऊंगा अकेले, ताकि उन्हें आसानी से खत्म कर सकूं।
समझी ना कुमुद जी, मैं अंदर देखता हूं। यहां भी कोई नहीं है। यह हमें मिसगाइड कर रहा है। अगर कुमुद को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप अकेले रोड के उस पार खड़ी व्हाइट गाड़ी में बैठो, और कोई होशियारी नहीं, वरना कुमुद। उसी का मैसेज है। आखिर ये चाहता क्या है? एक काम करिए इंस्पेक्टर साहब, आप मार्केट में ढूंढिए कबीर और डैनी, तुम लोग पीछे देखो, मैं आगे देखता। ठीक है, जैसे ही किसी को कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना है। ओके भैया, आप अकेले नहीं जाओगे। मैं काम करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। देखो, जैसा तुम दोनों को कह रहा हूँ वैसा करो। जाओ जाओ। आइए मिस्टर व्यास, प्लीज बैठ जाइए। क्या वो बहुत परेशान लग रहे हैं मिस्टर व्यास? हाँ, इसकी जरूरत क्या? कुमुद कहाँ पे? बहुत जल्दी है अपनी धर्मपत्नी से मिलने के। चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।